एक काम कर ही नहीं रही है। आज तो मेरा बच्चा गया तो मैं जानी नहीं, तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं 14 महीना से आके बस बैठा हुआ है, खा रहा है बस बैठ के, और कोई काम इसके लिए नहीं है, बस खा रहा है बस। ये सो हाँ, यहाँ जो मेन दरवाजा कौन दरोगा है, यहाँ क्या नाम है उसका, ब्रजेश गुप्ता है। हाँ वही। अच्छा, ये 14 महीना से अड्डा बना के बैठा हुआ है, अपने इनकम पर ध्यान है मगर पब्लिक पर ध्यान उसकी नहीं है। हाँ, हम दादी है, हमरे एक ही लड़का एक ही नाती रहा, हमारी दिया गुल हो गई। कैसे घटना हो गई? अब ये तो नहीं जो हम देखे हो, हमारी कब बात हुई थी? कैसे भैया से हमरे हमारे भैया से क्या बतिए भाई, वो तो हमारी माई। रोइए मत दादी। हमारे भाई अपने पैदारी, हम तो सोचते हैं कि यहाँ के दरोगा मेन जो है उनको हटाया जाए, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक न्याय नहीं मिलेगी। हाँ भैया, दरोगा बनना चाहता था ना। दरोगा बनना चाहता? हाँ भैया, पुलिस की तैयारी कर रहा था। जो युवक पुलिस की तैयारी करके पुलिस बनकर जनता की सेवा करना चाहता था, उसी की जान की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाई और उसकी हत्या हो गई। जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र के मेदपुर बनकट गांव में एक घटना घटी है, जहां पुलिस की तैयारी कर रहे एक 22 साल के रिशांग सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या की घटना बीते 4 दिन हो गया, पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, अगल बगल के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर जो एक सीधा साधा युवक था जिसे किसी से कुछ मतलब नहीं था, आखिर उसकी हत्या क्यों हो गई। परिवार के लोग दुखी हैं, रो रो के बुरा हाल है। मैं उसी परिवार में आया हूं और उन्हीं लोगों से हमारी बातचीत होगी कि रिशांग से उनकी कब बात हुई थी, आखिर कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो घटना को अंजाम दिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहता था, आखिर उसके कौन से दुश्मन सिर्फ 22 साल की उम्र में हो गए। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम कड़ावटी। दादी हैं आप? हाँ, हम दादी है, हमरे एक ही लड़का एक ही नाती रहा, हमारी दिया गुल हो गई। कैसे घटना हो गई? अब ये तो नहीं जो हम देखे हो, हमारी कब बात हुई थी? कैसे भैया से हमरे हमारे भैया से क्या बतिए भाई, वो तो हमारी माई। रोइए मत दादी। हमारे भाई अपने पैदारी देखिए, ये पूरा परिवार रोने लग रहा है। हम दादी से बात करना चाह रहे हैं लेकिन दादी बात नहीं करने की स्थिति में रो रहे हैं। हम बुआ हैं, एक बात करते हैं फिर बात करते हैं। बुआ जी, आपके साथ रह के वहाँ तैयारी करते थे? मेरे यहाँ पढ़ता था बच्चा। हाँ। वो 6 बजे निकला, 6:20 पर निकला यहाँ से ज्ञानपुर से। हाँ। हम सोचे 8 बजे बोला था कि पहुंच जाएंगे बुआ। हम सोचे पहुंच जाएगा तो फोन करेगा। हाँ। तब से मेरे बड़े पिताजी का फोन आया कि इसको फोन नहीं उठा रहा है जी। तो हम लोग अब फिर फोन लगाते रहे, 10-12 बार लगाए, इसके बाद स्विच ऑफ कर दिया गया फोन। फोन बंद हो गया? बंद हो गया। हम पूरा परिवार परेशान, सब लोग फिर ज्ञानपुर गए, हमारे भाई भतीजे सब लोग भगे ज्ञानपुर देखने के लिए, कहीं नहीं मिला। तो हमारी छोटी भतीजी थी, वही बैठी थी तो वहाँ बत्ती जल रहा है जी। और वही की सारा देख के लोग 8 बजे से ही जल रहा था, मगर समझ नहीं पाए। फिर गए वहाँ देखे तो उसको मारपीट के एकदम सुलाया गया था। न स्कूटी पर एक खरोच है। हाँ। न उसका पैसा छुआ गया है, न मोबाइल छुआ गया है, यानी ये लूट भी नहीं हो सकती। नहीं, घटना को अंजाम दिया गया। हाँ। और हमारे बगल में जो थाना पर है सब लोग, हम तो सोचते हैं कि यहाँ के दरोगा मेन जो है उनको हटाया जाए, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक न्याय नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं पुलिस का लापरवाही क्या भी पूरी है, पूरी है। यही 10 कदम पर बच्चा मारा गया, सीधे दिख रहा है, क्यों नहीं पता चला। बुआ, पुलिस तो कह रही है कि आप लोगों ने जब घटना की जानकारी दी, 11 बजे रात से ही पुलिस आपके साथ टहल रही है। 11 बजे रात से टहल रही है, ये हम मान रहे हैं, मगर उसके पहले अगर जानते हैं कि इस जगह हो रही है बदमाशी, यहाँ हो रही है बराबर, तो वहाँ तो पुलिस को जानी चाहिए हमेशा के लिए। हमारा ही बच्चा नहीं, किसी का बच्चा होता वहाँ जाना चाहिए। कभी कोई नंबर नहीं गया, कोई पुलिस ही नहीं गुजरी उधर से, चाहे वो जो भी करे वहाँ कोई नहीं देखने गया। और यहाँ तक कि मेरे गांव वाले भी नहीं जाते कि वहाँ दारू वारू पी के बैठे हैं। अच्छा। उसी में मेरा बच्चा
चला क्या गया। ऐसा है कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोग अक्सर बैठे उठे रहते हैं? हमेशा बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, चिनैती करते हैं, वहाँ हमेशा बैठे। आज पहला नहीं तीसरा कांड है। अच्छा, तीसरा है। क्या कभी ऐसी जानकारी आप लोगों ने यहाँ के लोगों ने पुलिस को दी है? सब दिया गया है। अच्छा। सब आए और चले गए, कुछ कोई किया नहीं। पुलिस कभी उधर गश्त नहीं करी? कभी नहीं की है गश्त। आज गश्त ही की होती तो आज मेरा बच्चा नहीं जाता। देखिए, ये पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, पुलिस पे लापरवाही का आरोप है। ये बुआ जी जो आई हैं, इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये उस समय जब शव उठाना चाह रही थी पुलिस ने, इन्होंने काफ़ी विरोध किया था और पुलिस को खरी खरी सुनाई भी थी। इनका भी साफ यही आरोप है कि पुलिस जो है गश्त नहीं करती, यहाँ रेलवे लाइन के किनारे असामाजिक तत्व के लोग बैठते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा। थोड़ा सा हम माता जी से हम थोड़ा सा बात करेंगे। माता जी, माता जी, माता जी बोलने की स्थिति में नहीं है, जिसका एक लाल इकलौता पुत्र के साथ घटना घट जाएगी उस परिवार पे क्या गुजरेगा, आप समझ सकते हैं। बात दीदी है क्या, बहन जो है, बहन बहन से हम थोड़ा सा बात करेंगे। बोलो बहनी, क्या नाम है? स्वाति। स्वाति, भैया से कब बात हुई थी आपको लास्ट टाइम? बहुत दिन पहले ही बात हुई थी। अच्छा, घर में बात हो रही थी तो आवाज़ सुने थे। हाँ, बस बाकी मेरी कोई बात नहीं। भैया तैयारी वारी कुछ कर रहा था ना? हाँ भैया, दरोगा बनना चाहता था ना। दरोगा बनना चाहता था? हाँ भैया, पुलिस की तैयारी कर रहा था। यानी उसकी इच्छा थी देश सेवा करने की? हाँ। लोगों सुरक्षा की? हाँ भैया, कहता था मुंबई नहीं जाऊँगा, दरोगा पुलिस बनूंगा, मुंबई जाके नहीं कमाऊंगा। देखिए, वो बच्चा, जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा था, दरोगा बनना चाहता था, जनता की सेवा करना चाह रहा था, कर बहन का यही साफ कहना है कि वो मुंबई और महानगर में नहीं जाना चाहता था, जनता की सेवा करना चाहता था। लेकिन जो पुलिस बनना चाहता था उसी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पाई। पुलिस पहले से ही सतर्क रहती, अगल बगल गश्त करती तो असामाजिक तत्व तो इस तरह टहलते नहीं मिलते। ये परिवार का यही आरोप है और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि नाकामी है पुलिस की। पुलिस अपने मेन मेन बाजारों में ठहरती है लेकिन ऐसी जगह नहीं जाती है जहां असामाजिक तत्व तो लोग बैठते हैं। यदि पुलिस ऐसी जगह गश्त करे तो ढेर सारा क्राइम पर जो है अंकुश लगाया जा सकता है। यहां भी इसी तरह की घटना हुई है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कह सकते, भैया तो गए, बाकी जो कर सके कर डाले। नहीं, न्याय के लिए क्या कहेंगे? हाँ, न्याय चाहिए, ये पता चलना चाहिए। आप क्या लगती हैं? बुआ लगती हैं। आप भी बुआ हैं तो इस घटना को लेके आप लोगों को पुलिस पे क्या, पुलिस पे जैसे बुआ आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे लापरवाही का, आपको भी लगता है पुलिस लापरवाही कर रही है? पुलिस लापरवाही कर रही है। अच्छा, चार दिन हो गया, कुछ भी अभी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं पता चला, पुलिस की पूरी लापरवाही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त मुख्यमंत्री हैं कि उनका बाबा जी का यही, योगी जी का कहना है कि अपराधी या तो जेलों में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन दिनों यूपी में क्राइम की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आए दिन हत्या, लूट, छिनैती की घटना हो रही है, आखिर पुलिस आपकी क्या कर रही है? आप इतना सख्ती के बाद भी पुलिस नहीं। बुआ जी, ये मीरगंज पुलिस पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, मीरगंज पुलिस क्यों लगता है आपको काम नहीं कर रही है? एक काम कर ही नहीं रही है। आप तो मेरा बच्चा गया तो मैं जानी नहीं, तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं 14 महीना से आके बस बैठा हुआ है, खा रहा है बस बैठ के, और कोई काम इसके लिए नहीं है, बस खा रहा है बस। ये सो? हाँ, यहाँ जो मेन दरवाजा कौन दरोगा है, यहाँ क्या नाम है उसका? ब्रजेश गुप्ता है। हाँ, वही। अच्छा, ये 14 महीना से अड्डा बना के बैठा हुआ है, अपने इनकम पर ध्यान है मगर पब्लिक पर ध्यान उसकी नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ बाबा से चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और उनके तक मेरी खबर जाए और मुझे इंसाफ मिले। देखिए मुख्यमंत्री, हाँ, और ये जो 14 महीना से बैठे हैं इनको तत्काल में भेजा जाए और मेरा दूसरे थानाध्यक्ष से जाँच करवाई जाए। देखिए,
जब घटना घटती है जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस पर तरह तरह के आरोप भी लगाती है। इस परिवार का भी यही आरोप है कि इनका कहना है कि यहाँ के थाना अध्यक्ष मीरगंज 14 महीने से मीरगंज में जमे हुए हैं और ये घटना का खुलासा नहीं कर पाएंगे, इनसे न्याय की उम्मीद इन लोगों को नहीं है। क्यों लगता है कि आप ये न्याय नहीं कर सकते? नहीं कर पाएंगे, जो बैठा है 10 कदम पर बच्चा खत्म हो रहा है, घटनाएं डेली हो रही है, डेली देख रहे हो, वहाँ से आप कोई नहीं कर कुछ कर पा रहे हो। आज मेरा गया तो मालूम चला कितने चले गए और कितने जाएंगे, अभी यही रही लापरवाही तो कितने जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यही है, बुआ का भी सही सवाल है, ये जो मीरगंज थाना है उससे हमें लगता है घटना स्थल की दूरी केवल 500 मीटर है, 500 मीटर दूर, बस इतनी दूरी है। इतने नहीं समझ पा रहे हो आप कि आप जान रहे हो कि वहाँ से भी देखोगे तो 10 आदमी बैठे रहते हैं वहाँ पुलिया के पास, तो आपको तो जाना चाहिए ना। आज मेरा कांड हो जिसको छोड़ दे, मगर डेली तो आपको चेक, अगर आपका वहाँ पहुँचते तो आज ऐसी कांड हमारे घर नहीं होती। हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, असुरक्षित समझ लिए, जो मेरे समझो वहाँ मरा, मतलब मेरे घर में मरा बच्चा, मेरे दरवाजे के सामने ही खत्म हुआ है। जी जी जी, हाँ देखिए पुलिस पे लापरवाही का आरोप लग रहा है, 500 मीटर दूरी थाने के अगल बगल ये पुलिस असामाजिक तत्वों पर नज़र नहीं रख पा रही है, तो थाना क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, तो ये परिवार के लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस यहाँ से लापरवाह है। विशेषकर थाना अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाना अध्यक्ष जांच नहीं कर पाएंगे, इन्हें हटाकर नया थाना अध्यक्ष मीरगंज में नियुक्त होना चाहिए। इनका ये भी आरोप है कि 14 महीना से यहाँ मीरगंज के थाना अध्यक्ष जमे हुए हैं, उनके बस की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।